दंड बैठक सूक्ष्म सहज आसन। चार तरह का मुख्य प्रोटोकॉल हम डेली फॉलो करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। कम से कम 10-20 बार सूर्य नमस्कार करने का प्रयास। दस दस बार दंड बैठक करने का अभ्यास होना चाहिए। कम से कम 10-20 मिनट का तेज व्यायाम करने का। एक आसन को कम से कम 1 मिनट, थोड़ा रोग अधिक है तो 2 मिनट, और रोग ने जड़े बहुत गहरी जमा रखी है तो 5 से 10 मिनट तक एक एक आसन को श्वासों के प्राणों के नियंत्रण के साथ और शिव संकल्प के साथ करना। शिव संकल्प ताड़ासन, त्रिव्य ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराजासन आदि जितना बन पाए श्वासों के नियंत्रण के साथ। तो योगाभ्यास करते 5-7 बातों का आपको विशेष ध्यान। हाथ पैर पीठ की एकदम परफेक्शन के साथ, कुशलता के साथ, आइडियल पोजीशन में होने चाहिए पूरी बॉडी। धीरे धीरे नियंत्रण आएगा शरीर पर, ऊपर मन विचार भाव से। चेहरे पर सहजता, प्रसन्नता, मन में रोग मुक्ति का विचार संकल्प। रोग मुक्ति अभी तो वृक्षासन ही कठिन हो रहा है, थोड़े दिनों में आपसे गरुड़ासन भी हो जाए। सब रोगों से मुक्त, सब विकारों से मुक्त, अज्ञान से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार के प्रमाद से मैं मुक्त। और जो अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, कुछ भी शब्द बोलो, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त रहता है। 10 बार का अभ्यास होना चाहिए कम से कम। धीरे धीरे करो, इतना ही करो, आधा करो। जो बुरी चीजों से मुक्त रहता है, बुरी चीज क्या, जिससे अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन, प्राण, आत्मा को, स्वयं को, अपने स्वजनों को, इस पूरी समष्टि को, मनुष्य, मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत को, किसी को भी जिससे
दुख पहुंचता हो, नुकसान होता हो, वो बुरा है। ऐसे 10 बार तक करने का अभ्यास होना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, देखो 10 बार कम से कम। तुम एक बात मेरे साथ अब बोलेंगे, हमें बुरी चीजों से मुक्त रहना है। क्या बोला? बुरी चीजों से और अच्छी चीजों से, अच्छे तत्वों से, अच्छी बातों से, अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त रहना है। अच्छी चीजों से युक्त रहना और बुरी चीजों से मुक्त रहना। एक क्षण के लिए भी, जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न में भी हमारे भीतर कोई दुर्विचार ना आए, दुर्भावना ना आए, दुर्गुण दोष ना आए। स्वप्न में भी हम स्खलित ना हो, स्वप्न में भी हमसे कोई दोष ना हो। लंबे लंबे श्वास, मकर आसन, फिर भुजंगासन। इसके लिए आपके बस थोड़ी सी सजगता चाहिए। भाव संतुष्टि, लंबे लंबे श्वास, ऐसे भुजंगासन। दस बार से शुरू करो और संकल्पित हो जाओ कि 100 बार तक करने का अभ्यास करना है। ऐसे कर लो भुजंगासन, चाहे ऐसे कर लो इस सर्पासन, इसको कहते हैं सर्पदंड कहते हैं। ऐसे 10-10 में एक श्वास भरा, एक श्वास में 10 बार कर लिया, ऐसे 10 श्वासों में 100 बार हो जाएगा। चाहिए कर लो, इसमें पैर पीछे सीधे पास नीचे ऊपर उठे। कोशिश करो पूरा, एक श्वास में 10 बार कर सकते हो। और एक एक श्वास एक एक बार भी हो जाता है, इसको मिश्र दंड कहते हैं। दंड बैठक दोनों हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा है। अस्मा भवतु नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए, दुर्बल होकर के नहीं जीना। एक श्वास में एक अभ्यास, अथवा कर लो भुजंगासन ही कर लो आप तो थोड़ा आगे पहुंच गए। बोले अरे अभी तो थोड़ा सा करवाया आपसे, अभी तो कठिन करवाया, कठिन में तो ऐसे करके और ऐसे किया जाता है, इतना नियंत्रण में तो आपको वक्त लगेगा ना, तो आप यही कर लो ना। शरीर को जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा, जीवन के कुछ गहरे निष्कर्ष कहता हुआ आपको योग की गहराइयों में, जीवन की गहराइयों में ले चलता हूं। और बहुत सहज से सत्य है ये, सबको समझ में आते हैं। जो हम बार बार करते हैं वो हो जाता हमारा अभ्यास। क्या बोले? जो हम बार बार करते हैं क्या हो जाता हमारा? बार बार योग करेंगे तो योग करने का, बार बार भोग करेंगे तो भोग अभ्यास हो जाएगा, बार बार अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा जिएंगे,
तो अच्छे सोचने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने पीने का, जीने का स्वभाव हो जाएगा। अब जैसे हम 4 बजे के बाद सो ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे मस्त मलंगे हैं वो उठते ही नहीं, क्योंकि सुबह उठने का अभ्यास आदत हो भी नहीं है। बार बार अच्छी चीजें करो, इच्छा ना होने पर भी करो, इच्छा ना होने पर भी सुबह उठो, इच्छा ना होने पर भी सुबह योग, इच्छा ना होने पर भी अच्छा सात्विक आहार ही लो, इच्छा ना होने पर भी कई बार सामने परिस्थितियां खराब है तो भी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव ही सुनो, पॉजिटिव ही बोलो, सात्विक विचार, सात्विक दृष्टि, सात्विक श्रुति, सात्विक वाणी, सात्विक आचरण। हो गया 10-20 बार तो हो ही गया होगा, बड़ा बड़ा के कितने तक ले जाना है? 100 तक। कितने देर लगते है? देखो 25 बार तो इतने में हो जाता है, आप पलक झपकती। एक ही श्वास में कितनी बार हो गया? 25 बार, 4 बार में 100 बार, और जैसे 100 बार कर लेंगे, अब इसके फायदे सुनो, इससे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट 100 साल तक ठीक, और भुजाओं में बल रहेगा, स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा रहेगा, लंगड़े लूले नहीं चलेंगे। चलो थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम के 2 तरीके हैं, हथेली पर हथेली। जो ज्यादा बुढ़े ठहरे हैं, अरे बुढ़े नहीं, जो वरिष्ठ नागरिक, सीनियर कहने में आदमी को खराब नहीं लगता, किसी को बुढ़ा कौन है ऐसे घुर्रा, मैं बुढ़ा नहीं हूं अभी, अगर बोलेंगे क्या, मेरा दिल अभी जवान है, तेरा दिल तो जवान है, तेरे तो पैर तो कब्र में है, दिल जवान है, चलो ये खुद शमशान में है, लंबे लंबे श्वास, चलो 100 बार करना है भुजंगासन। देखो सूर्य नमस्कार सब 100 बार नहीं कर पाते, मुझे पता है, दंड बैठे भी 100 बार नहीं लगा पाएंगे, भुजंगासन भी 100 बार कर लिया तो पूरा व्यायाम हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, हाथ पैर पेट पीठ मजबूत रहेंगे, और थोड़ा भुजंगासन करते समय धीरे धीरे ये दंड भी लगाने लगोगे, और फिर ये मिश्र दंड लगा लिया तो हाथ पैर पेट पीठ पूरा ये शरीर मजबूत हो जाएगा। ऐसे ये तो 100 साल जवान रहोगे और सैकड़ों बीमारियों से बचे रहोगे। अरे बच के रहना, सावधान, बड़े संकट है जीवन में, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, अब इसे बचाना ही पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन, देखो सैकड़ों बीमारियों से बच जाओगे, चारों तरफ बीमारियां बांट जो रही हैं, इसलिए एक राजस्थानी लोग गीत गाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस संसार रूपी समुद्र में चारों तरफ खाने के लिए तैयार बैठे हैं। चारों तरफ बीमारियां बांट जा रही हैं। यदि तुमने योग नहीं किया ना, तो किसी को बीपी हो जाएगा, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अर्थराइटिस, किसी को अस्थमा, किसी को गैस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पाइल्स, फिस्टर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी से लेकर के यूटीआई से लेकर के
यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, कहीं शरीर में गांठें हो जाती है, कालांतर में वही टीबी या कैंसर बन जाता है। लंबे लंबे श्वास। किसी को वात, किसी को पित्त, किसी को कफ दोष, किसी को ये लाइफस्टाइल डिजीज ना। लंबे लंबे श्वासों के साथ साधु सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घट रही है दुर्घटना। जो एक ही काम ठीक से कर लोगे 100 बार कर लो। भुजंगासन, चलो फिर सर्वासन करवा दे। लंबे लंबे श्वास। 100 साल तक कोई रोग तुम्हारे पास में नहीं फटकेगा। इंसान कहीं भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। एक ही सूत्र गहरा पकड़ लो। कोई भी एक सूत्र, और उसमें सबसे बड़ा सूत्र है योग सूत्र। एक सूत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक मंत्र, एक संत, एक गुरु पकड़ लो। और फिर देखो जीवन में भटकाव होगा ही नहीं, जिससे जितना बन पाए कर देना। और कुछ नहीं समझ में आता है तो सुबह सुबह उठ करके मुझे ही देख लो ना, और मुझे खाली देह से नहीं देखना। गुरु के दर्शन का मतलब है गुरु जिस दृष्टि से जीता है उस दृष्टि से हम युक्त हो जाए, गुरु के साथ एकात्म हो जाए। गुरु जैसे करता है, गुरु जैसे जीता है, वैसे हम भी जीने लग जाए। योग के कर्म, योग के वेद के ऋषियों के पथ पर चले, सत्य धर्म न्याय के पथ पर चले, सत्य प्रेम करुणा के पथ पर। अब थोड़ा थोड़ा सबको करा दे रहे हैं, विशेष जिनको ज्यादा समस्या है। सीधे ओबीसीटी वाले, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 100-200 बार करना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वो भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन अधिक कर लेना।